नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेस्टबुक के सुपर कोचिंग के इस इनिशिएटिव में। हेलो साहिल, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए लाइव लर्नर्स, मेरी आवाज आप सभी तक अच्छे से पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? आज के इस बीपीएससी सिविल सर्विसेज के सुपर कोचिंग के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसको किस प्रकार से आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी, ये आपको बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या फिर आपका यूपीएससी, ये बहुत ही बड़ा एक सवाल होता है कि कौन सा रास्ता ले, कौन सा ऑप्शनल सिलेक्ट करे। ठीक है, बाकी भी आ जाएंगे बच्चे, बाकी भी लाइव लर्नर्स धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप भी आपके बाकी के दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हो इस क्लास को, ताकि वो भी ज्वाइन करेंगे। इस क्लास के लिए आपको किसी भी पास की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बहुत ही अहम सवाल होता है सिविल सर्विसेज के दरमियान काफी सारे बच्चों का, कि ऑप्शनल कौन सा सिलेक्ट करें, कैसे सिलेक्ट करने और उसके लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए। सबसे पहले तो एक बेसिक मुद्दा मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि ऑप्शनल सिलेक्ट करते वक्त क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये तो हमें डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले क्या आपको नहीं करना है ये मैं आपको बता देता हूं। क्या नहीं करना है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आप सभी ने ध्यान में रखना है कि जो आपका टॉपर है, ठीक है, टॉपर का कोई एक्स वाई जेड ऑप्शनल है तो उसको हमने ले लिया, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड ऑप्शनल टॉपर का कुछ भी हो सकता है, आपका ऑप्शनल उनसे प्रेरित होके या फिर केवल उन्होंने ये ऑप्शनल लिया तो मैं लेना चाहता हूं, ये आपने बिल्कुल नहीं करना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ये जो स्कोरिंग वाला फंडा होता है ना, कि किसी एक्स वाई जेड ने कह दिया कि ये ऑप्शनल आपका बहुत ही स्कोरिंग है, ऐसा गलत होता है। कोई भी ऑप्शनल स्कोरिंग और दूसरे ऑप्शनल में कम मार्क्स, ऐसा नहीं होता। आशा, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे स्कोरिंग का ऐसा कोई फंडा नहीं है, हर एक यहाँ पे एक प्रपोर्शन बीपीएससी यूपीएससी यहाँ पे मेंटेन रखती है कि जो भी कोई आपका ऑप्शनल है तो उस ऑप्शनल को जितने भी एस्पिरेंट्स ने चुना है उन एस्पिरेंट्स के प्रपोर्शन के अनुसार यहाँ पे वो स्कोरिंग का एक क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। तो ये बात तो यहां से दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई आपका ऑप्शन बहुत स्कोरिंग होता है और कोई ऑप्शनल में बिल्कुल भी स्कोर नहीं आता है, तो ये दो चीजों को आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, टॉपर्स का ऑप्शनल और स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग वाला, ये आपका फंडा। हाँ, हो सकता है कि कोई ऑप्शनल यहाँ पे स्टूडेंट्स को उस बार उतना ज्यादा स्कोर ना आया हो, लेकिन उसके पीछे का कारण शायद ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स को आंसर्स लिखते वक्त जो शायद बीपीएससी को एक्सपेक्टेड है ये वो उस हिसाब से उन्होंने नहीं लिखा हो। ठीक है अंजलि, वेरी गुड इवनिंग। तो ये सभी चीजें आपको जो है देखनी है आज के क्लास में। सबसे पहले तो आपके साथ ये पूरा ऑप्शनल का लिस्ट मैंने शेयर किया है, ये ऑप्शन से और इसमें से आपको जो है जब आपका ऑप्शनल आप चुनोगे, सिलेक्ट करोगे, तो कुछ चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, साहिल ये आपको बकवास अगर कहीं करनी है तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा और एक भी टेस्ट बुक का क्लास में आपको अटेंड नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो आप क्लास में आए हो तो ठीक से क्लास अटेंड करो, ये बाकी का नंबर वंबर मांगना ये नाटक यहाँ पे नहीं चलता है। सिंसियर हो तो रहो, नहीं तो आप क्लास छोड़ के निकल सकते हो, बाकी के सिंसियर बच्चे हैं उनको यहाँ पे पढ़ने दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो बच्चे ऐसे भी थे कि एस्पिरेंट सीरीज जो अभी आई थी ना, तो उस सीरीज में वो जो कलाकार मुख्य कलाकार दिखाया है उसका ऑप्शनल यहाँ पे हिस्ट्री था, तो उनका चल रहा था कि हमें भी हिस्ट्री लेना है, तो ऐसा मत कीजिए। ऑप्शनल सिलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया होता है, और आप कभी भी कोई तो एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, आपको साक्षात्कार हुआ और आपने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, ऐसा नहीं होता है। आपने क्या करना है, सबसे पहला तो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ठीक है, तो उस एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ आप सोचिए कि क्या आप उस ऑप्शनल के साथ कोप अप कर पाओगे।
मान लीजिए कि अगर आपका हुआ है बीए इकोनॉमिक्स में, तो बीए इकोनॉमिक्स है तो निश्चित तौर पे एनिमल हस्बेंड्री और केमिस्ट्री बॉटनी ये ऑप्शनल आपके लिए यहाँ पे शायद उतने महत्वपूर्ण ना हो, क्योंकि आप उसको ठीक से समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स आपको या क्या करने हैं, अवॉइड करने। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये एक क्राइटेरिया सबसे पहले आप देखो। सेकेंड क्राइटेरिया, अगर मान लीजिए लकीली आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके साथ मैच करता हुआ, या फिर उसके कारण एजुकेशनल बैकग्राउंड से आपको फायदा पहुंचे, ऐसा कोई अगर आपका ऑप्शनल है, समझ लीजिए कि आपने केमिस्ट्री में ऑनर्स किया है या फिर आप एमएससी केमिस्ट्री हो और आप केमिस्ट्री विषय में रुचि भी रखते हो, तो तब आप केमिस्ट्री के बारे में सोच सकते हो, अगर आपका उतना एक फुल प्रूफ उसमें पढ़ाई हुआ है तो। सेकेंड थिंग, मैंने यहाँ पे बात की रुचि की, इंटरेस्ट की, तो आपका एक इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए, आपको वो पढ़ते वक्त उसका अंडरस्टैंडिंग सही से होना चाहिए। अभी देर आर बंच ऑफ स्टूडेंट्स, जो मेरे यूपीएससी के बैच में कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ, तो केवल एंथ्रोपोलॉजी का साइज छोटा है, तो एंथ्रोपोलॉजी ले लेते हैं, ऐसा मत कीजिए। ये साइज और सिलेबस, ये आपने कभी भी इस अप्रोच से अगर आप जाओगे और सिलेबस कम छोटा देख के ऑप्शनल चूज करोगे, तो उसमें भी आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका इंटरेस्ट देखिए, ये दो चीज है। और इंटरेस्ट हो सकता है कि आपको शायद किसी पहले एग्जाम्पल के तौर पे, कि पहले ही वो कहते हैं ना कि ऑप्शनल का लिस्ट खोला, ऑप्शनल का लिस्ट देखा और किस में इंटरेस्ट है पता चल गया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको थोड़ा जो है चीजों को समझना है। मान लीजिए आप अगर अपने खुद के लिए कुछ चीज खरीदना चाहते हो, कुछ कपड़ा खरीदना चाहते हो, कुछ सामान खरीदना चाहते हो, तो आप तीन चार ऑप्शंस जरूर देखते हो ना। तीन चार पांच ऑप्शंस देखने के बाद आप उस पे से कोई एक चूज करते हो, होता या नहीं होता है? एग्जैक्टली ऑप्शनल में भी आपको ऐसा ही करना है। सबसे पहले तो पहला स्टेज आपका रहेगा, यू हैव टू चूज द सेट्स ऑफ ऑप्शनल्स। आप एक सेट बनाओ, कैसा सेट, जिसमें आपके पांच सब्जेक्ट्स रहेंगे, पांच सब्जेक्ट्स वाला एक सेट बनाओ। एक जो कॉमन सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा चलते हैं, हम उसका सबसे पहले यहां पे जिक्र करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका सोशियोलॉजी, ठीक है, मान लीजिए आपका पॉल साइंस, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये आपके तीन विषय हो गए। उसके बाद आप इस और ऐड कर दीजिए हिस्ट्री, ठीक है, ये आपके अनुसार, आपके चॉइस के अनुसार, आपके प्रायोरिटी के अनुसार आप चुनिए, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको इसमें कोई और ऐड करना है आप वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आमतौर पे जो विषय चलते हैं स्टूडेंट्स में थोड़े पॉपुलर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और यहां पे हमने ले लिया ज्योग्राफी, ठीक है। तो ऐसा यहां पे मान लीजिए ये पांच सब्जेक्ट सबसे पहले तो आपको चूज कर रहे हैं। ये पांच हो सकता है कुछ अलग हो सकता है ये आपका ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, ये अपना एक पांच सब्जेक्ट का सभी स्टूडेंट अपना एक यहां पे लिस्ट बनाए। और उसके बाद ये लिस्ट बनाने के बाद आपको इसके ऊपर वर्कआउट शुरू करना है। अभी रुपेश कह रहे कि उन्होंने मैथमेटिक्स लिया है, तो रुपेश आपका बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स में कुछ हुआ है क्या आपका? मतलब आप मुझे गलत मत समझिए, मैं केवल एक आपका हितचिंतक होने के नाते आपसे पूछ रहा हूं और कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स में या फिर किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हो या फिर आप ऐसे भारत के किसी बहुत बड़े संस्थान से पास आउट हो जहां पे आपके उस विषय को लेके आपका बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है, आप बहुत ही उसमें एक्सपर्टीज हो, आमतौर पे तभी ये आपके साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। केवल आपने बीएससी या फिर एमएससी उसमें किया है तो फिर आप वो सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपका सच में बहुत ही स्ट्रांग पकड़ है तो उसको लीजिए,
और हो सकता है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट ना हो सकता है आपने आईआईटी या आईआईएससी से पास आउट आप नहीं हो, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आपका मैथमेटिक्स का जो एक कोर स्ट्रेंथ है बहुत ही मजबूत है, ऐसा अगर आपको लगता है तो उस केस में आपको यहाँ पे सिलेबस उसको ठीक से एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका सिलेबस एनालिसिस ठीक है और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की है और आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, उस केस में आप उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ जा सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अदरवाइज आमतौर पर हम स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि आप ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड के, जैसे आपका जो सोशियोलॉजी, पॉल साइंस, बबैट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, ये जो विषय है आप उसमें से किसी एक को चूज कीजिए। हाँ, पहली बात ऐसा मत कीजिए ओनली इकोनॉमिक्स। मान लीजिए कि एग्जाम्पल आप शर्ट खरीदने गए तो आप पहला ही शर्ट देख लिया, या फिर आपने आपके दिमाग में है कि आपको यहाँ पे चेक्स का शर्ट खरीदना है या व्हाइट शर्ट, तो व्हाइट शर्ट या चेक्स के शर्ट में आप बाकी भी वराइटीज और ये सब देखोगे ना, तो एग्जैक्टली ऑप्शनल का भी वैसा ही करो। सबसे पहले तो ऐसा एक लिस्ट बनाओ 5 सब्जेक्ट्स का, और अगर आप समझिए कि आपके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका है, पॉलिटी ऐसा बेटा कोई ऑप्शनल नहीं होता है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, पीएसआईआर जिसको हम कहते हैं, ये आपका ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपके ऊपर ये इन्फ्लुएंस किसका है, टॉपर्स का, या फिर जो प्रथा चल रही है इतने सालों से कि हाँ भाई यही ऑप्शन लेते हैं, ऐसा नहीं। पहले आप अपने हिसाब से चूज करो, हो सकता है 5 ना हो सकता है 3 ही सब्जेक्ट हो, चलेगा, 3 का लिस्ट है तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा 3 से 5 सब्जेक्ट का एक लिस्ट बनाओ। ये लिस्ट आपके आंखों के सामने आप देख सकते हो, एग्री आपका वेटरनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी साइंस, ह्यूमन साइंस, होम साइंस, मानव विज्ञान, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये पूरा लिस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, ये पूरा यहाँ पे लिस्ट है, लेबर, सोशल वेलफेयर, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिलोसॉफी, ये सभी के सभी लिस्ट है। इसमें आपको क्या करना है, हो सकता है आपका 3 से लेके 5 सब्जेक्ट को आपने यहाँ पे चूज किया है और उसका एक क्लब बनाया। ठीक है, उस क्लब बनाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस का आपको बहुत ही ठीक तरीके से एनालिसिस करना होगा, उसका एक सटीक एनालिसिस कीजिए उस सिलेबस का। उस एनालिसिस के खत्म होने के बाद आपको उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैं कह रहा हूं मिनिमम मिनिमम 5 साल का, मिनिमम 5 ईयर्स का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका आपने एनालिसिस करना है, और वो एनालिसिस करने के बाद आप यहाँ पे समझिए वो पूरा सिलेबस, वो उसका एनालिसिस, हो सकता है 3 5, और इसमें आपका 2 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता चला जाए, चलेगा, लेकिन बाद में यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी का मैनेजमेंट है, किसी का अकाउंटेंसी है, बिल्कुल अच्छी बात है, हो सकता है आपका वो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, आप MBA हो या फिर आपने BCom MCom किया है, आपका स्कोर उसमें अच्छा आता हो, बिल्कुल सही बात है, आपका जो नजरिया है सही है, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी का आपका सिलेबस और हमारे BPSC का सिलेबस, ये दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं, इनका कोई रिलेवेंस है, ये समान है, कैसा है, ये पहले तो आप ये समझिए, उसका एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस के बाद आप यहाँ पे आपका फाइनल कंक्लूजन निकालिए, आप अभी से कंक्लूजन पर मत पहुंचिए, आपको पहले एनालिसिस करना है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है। उसके बाद जो मैंने इससे पहले आपको कहा था कि पहले तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आप पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को समझते हो, उस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन का फिर वहां पे जो आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर आप जज कर पाते हो, आपको लगता है कि सर इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है,
तो ये डिफिकल्टी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी उसका देखो, उसका पैटर्न देखो, उसके बाद सबसे जरूरी चीज है कि उसको अटेम्प्ट करके देखो, उसको अटेम्प्ट करो, उसका आंसर थोड़ा सा पॉइंटर फॉर्मेट में, पॉइंटर फॉर्मेट में उसका आंसर लिखने की कोशिश करो, और ये पॉइंटर फॉर्मेट में लिखा हुआ आंसर यहां पे किसी सीनियर से, किसी एडुकेटर से आप उसको असेस करने की कोशिश करो, ठीक है? माने कि क्या, आपका वो जो स्किल है या नहीं, वो राइटिंग आप कर पा रहे हो या? देखो अभी पहले अटेम्प्ट में या फिर पहले एक हफ्ता में ये आपका जो राइटिंग स्किल है ये कभी भी इनहांस नहीं हो सकता है, राइटिंग स्किल समय के चलते आप में आएगा। फिलहाल के लिए आपका जरूरी क्या है, आपने उसका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझो, उसका डिफिकल्टी लेवल समझने की कोशिश करो, और वो डिफिकल्ट है नहीं है कैसा है ये सारी चीज आप कब समझ पाओगे, जब आपने उसका ठीक से एनालिसिस किया होगा तब। उसके बाद उसको अटेम्प्ट करो, उसके बाद आप यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुंचो कि कौन सा आप अच्छे से आंसर लिख पा रहे हो, कौन सा आंसर आप ठीक से लिख पा रहे हो, कौन सा सिलेबस आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है? और उसके अलावा किसके साथ आप अच्छे से, किस विषय में आप अच्छे से कॉप अप कर पाओगे, ग्रास्प कर पाओगे, आपका ग्रास्पिंग भी बहुत जरूरी है। ये सब चीजों को आपको सेटिस्फाई करना है, और हो सकता है पांच में से आप किसी दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओ, या तीन में से किसी एक को इलिमिनेट कर दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है? तो जब आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हो, मान लीजिए कि आप कंफ्यूज हो गए पॉल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये जो ऑप्शनल है इसमें आप कंफ्यूज हो गए, और दूसरा आप कंफ्यूज हो गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है? इन दोनों विषयों में अगर आप, मान लीजिए कंफ्यूज है, हम मान लेते हैं, अभी ये हो सकते कोई दो विषय और भी हो, मैं केवल आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, तब तो आपने क्या करना है, आपने फिर से इन दोनों विषयों के सिलेबस को यहां पे कंपेयर करना है। अभी तक मैंने आपको कंपेयर करने को नहीं कहा था, अभी तक मैंने आपको केवल गो थ्रू करने के लिए कहा था। कंपैरिजन का स्टेज यहां पे कोई भी ऑप्शनल बेस्ट नहीं होता है, मैं वही कह रहा हूं, आप यहां पे समझिए, मैं कोई कह दूं वो बेस्ट है ऐसा नहीं होता है, आपका एक जनरल एप्टीट्यूड किस ऑप्शनल से बहुत अच्छे से मेल खाता है ये चीज यहाँ पे बहुत मैटर करता है, इसलिए मैंने पहले स्टेज में कंपेयर करने को आपको नहीं बोला। जब सेकेंड स्टेज में आप आओगे और किसी दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो, तब आप यहाँ पे सिलेबस को कंपेयर करें, और ये कंपेयर कैसे करना है, उसमें से कौन से चीज आपको यहाँ पे ध्यान में लेनी है, समझनी है, ये सारा का सारा डिस्कशन हम आप सभी के साथ, जो ये टेक्स्ट बुक का सुपर कोचिंग हमने बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए शुरू किया है, हम तो उसमें आपको पूरा मार्गदर्शन करेंगे, अभी भी आज के क्लास में भी करूंगा, लेकिन ये जो हमारा पूरा एक साल का टेक्स्ट बुक का ये जो सुपर कोचिंग हमारा चलेगा, इसमें भी पूरे साल भर आपका असेसमेंट होते रहेगा, असेसमेंट के साथ साथ आपको पूरा एक सपोर्ट सिस्टम टेक्स्ट बुक के टीम की तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी हमारे सुपर टीचर्स हैं, जैसे कि हो गए आपके राहुल चंद्रा सर, आनंद श्रीधरम सर, गुरु रहमान सर, ये जो सुपर टीचर्स हैं, आपने इनके साथ कभी ना कभी इंटरेक्शन किया होगा सेमिनार में, या फिर यूट्यूब के थ्रू, या फिर इनके क्लासेस में, इनके भी ऐसे 25 से अधिक जो वीडियो कोर्सेस हैं वो आपके लिए अवेलेबल करा के जाएंगे, रिकॉर्डिंग में वो आप देख सकते हो, उनका एक स्पेशल गाइडेंस सेशन आपके लिए रहेगा, एक स्पेशल गाइडेंस उनका आपको मिलेगा, प्लस मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, और इन डेली लाइव क्लासेस में हम आप सभी के लिए एक स्पेसिफिक एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखते हैं, और इन डाउट क्लियरिंग सेशन के माध्यम से हम पूर्ण रूप से आपको ये सहायता करेंगे कि आपको किस प्रकार से चूज करना है आपका ऑप्शनल, ठीक है? जब एक बार आपका ऑप्शनल चूज हो जाए, फिर इन क्लासेस के थ्रू आपका पूरा जो एक साल का प्रिपरेशन है चलेगा, स्पेशल कोचेस, सुपर कोचेस जिनको हम कहते हैं वो, प्लस हमारे जैसे
क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड, जैसे कि मेरा पिछले 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है, वैसे हम सब एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, जिन्होंने स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर पर्सनली मेरे इसमें कहूँ तो यूपीएससी के 3 इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, तो हमारे जैसा जो एक एक्सपर्टीज फैकल्टी है जिन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू दिया है, हम सब आपको पढ़ाएंगे, और वो भी बहुत पॉकेट फ्रेंडली चार्जेस में, केवल महीने का 667 रुपीज पर मंथ आपको पे करना है, उसमें भी 20% डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करो तो। मेरा कूपन कोड यहाँ पे हर पेज पर हमने देके रखा है, ये जो है सुमित एम, ये मेरा कूपन कोड है, अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो 20% डिस्काउंट आपको और एडिशनल मिलेगा। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से आपको सेकेंड स्टेज में आने के बाद सिलेबस को कंपेयर करना है। तो मान लीजिए पॉल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका सिलेबस कंपेयर कीजिए, उसको कंपेयर करते वक्त यहाँ पे आपने क्या करना है, पॉल साइंस पब्लिक को एक दूसरे के साथ कंपेयर तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ जनरल स्टडीज के साथ भी आपने कंपेयर करके देखना है सिलेबस को कि क्या जनरल स्टडीज के साथ ये कुछ मेल खाता है। और ये फोर्सफुली अपने आप को कन्विंस मत कीजिए, मैंने कई सारे ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिनको लगता है कि सोशियोलॉजी, पॉल साइंस, पबैट, इनका जीएस के साथ रिलेवेंस अच्छा है तो उसको हम ले लें, ऐसा गलती मत कीजिए। मैं यही कहूंगा आपको, आपका इंडिविजुअल ओपिनियन देखिए कि आपको क्या लगता है कौन सा आपके लिए सही होगा, और हर कोई ऑप्शनल का कोई ना कोई रिलेवेंस आपको जनरल स्टडीज में मिल जाता है। हाँ, ये 2-4 सब्जेक्ट्स ऐसे कि जिनका रिलेवेंस थोड़ा ज्यादा है, पबैट, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इनका थोड़ा सा रिलेवेंस है ज्यादा, हिस्ट्री, लेकिन आपको सबसे पहले तो ये जजमेंट लेना होगा। तो कंपेयर कीजिए सिलेबस को, जिस किसी 2-3 सिलेबस में आप कंफ्यूज हो, 2-3 ऑप्शनल में कंफ्यूज हो, तो आपस ही कंपेयर कीजिए ऑप्शनल का और उसका जीएस के साथ अलग से कंपैरिजन कीजिए। तो ये आपसी कंपैरिजन और जीएस के साथ कंपैरिजन जब आपका हो जाए, ये होने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर उसका पिछले 2 साल का यहां पे आपका लास्ट 2 ईयर का जो उसका क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर के यहां पे मान लीजिए आप 2 ऑप्शनल में कंफ्यूज हो, तो हर एक के पास ऐसे क्वेश्चंस आपको चूज करने हैं, ठीक है, उसका टॉपिक चूज करना है, उसका टॉपिक देखिए, ठीक है, मान लीजिए आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के ऊपर या फिर आपका जो है गवर्नेंस का पार्ट है उसके ऊपर आपने कोई क्वेश्चन चूज किया, तो गवर्नेंस वाला जो पार्ट, और मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में आपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के ऊपर, आईआर के ऊपर या फिर आपका थिंकर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन चूज किया, तो फिर उस केस में ये जो कुछ आपने चूज किया होगा, ये चूज किया हुआ टॉपिक आपने क्या करना है, आपने उसका एक बेसिक रीडिंग करना है, ठीक है। उसका बेसिक रीडिंग आप कहां से करोगे, आप सिंपली यहां पे या तो स्टेट बोर्ड रेफर करो, और बेहतर होगा कि अगर आप एनसीईआरटी रेफर करते हो तो, ठीक है, तो एनसीईआरटी रेफर करो, हिंदी अंग्रेजी ये आपका चॉइस है कि आपको कौन सा भाषा में पेपर लिखना है, ये कंप्लीटली आपका चॉइस होगा। ये आपने एक बार चूज कर देख लिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद उसका बेसिक रीडिंग कंप्लीट करो, और फिर उसका आपने एक पॉइंटर फॉर्मेट में आंसर लिखना शुरू करना है। उसका आंसर आप थोड़ा सा पॉइंटर फॉर्मेट में लिखो, और पॉइंटर फॉर्मेट में वो आंसर लिखने के बाद आप उसका सेल्फ असेसमेंट करो, प्लस सेल्फ असेसमेंट के साथ साथ आप एजुकेटर्स के थ्रू उसको आप असेस कर सकते हो। ये मैं कब कह रहा हूं, इसके लिए आपको एजुकेटर, जैसे कि अभी क्लास के बाद जो मेरा ऑफिशियल टेक्स्टबुक का टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं शेयर करता हूं, तो ये असेसमेंट 1-2 क्वेश्चन का आपको मैं यहाँ पे करा के दे सकता हूं, लेकिन आप पूरा साल भर का असेसमेंट चाहते हो तो इस पूरे साल भर के असेसमेंट के लिए फिर शायद यहाँ पे मैं ऐसा हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का तो असेसमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट ये जो हमारा कोर्स है सुपर कोचिंग का, तो
उसमें ऐसे लगभग 220 से अधिक मॉक टेस्ट है। तो ये 220 से अधिक मॉक टेस्ट में ये जो एमसीक्यू, ठीक है, इसका तो वहां के वहां आंसर मिल जाएगा। प्लस आप कोर्स में जब रहोगे और जो लाइव क्लासेस में हम आपको मेंस के कुछ क्वेश्चंस देते हैं, तो उस मेंस के क्वेश्चन के लिए हमारे इस क्लास का एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, और उस टेलीग्राम ग्रुप में फिर आप आपका आंसर लिख के उसका एक फोटो अच्छे तरीके से क्लिक करके वहां पे पोस्ट कर सकते हो, और फिर वहां पे आपका असेसमेंट होगा। तो आपके लिए मॉक टेस्ट यहाँ पे टेक्स्ट बुक ने एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी अवेलेबल करा के रखी है। यहाँ पे मॉक टेस्ट आपके लिए लाइव क्लासेस में भी हम मेंस के क्वेश्चन देके करेंगे। कुछ मेंस के क्वेश्चन हमारे डेटाबेस में पहले से है, कुछ क्वेश्चंस हम लाइव क्लासेस में देते, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई घटना घटित होती है, ठीक है, जैसे कि देश के राष्ट्रपति ने आज उनका जो भाषण दिया, अभिभाषण, उनका प्रोसेस, तो ये आपका थोड़ा सा करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। अतिफा, शायद बेटा आपके यहाँ पे दिक्कत है, बाकी सभी बच्चों का ठीक से चल रहा है क्लास, या बाकी लोगों का भी बफरिंग हो रहा है? तो शायद मैं आपका ये जो असेसमेंट है ये क्लास में मैं अच्छे तरीके से कर सकूं। हाँ, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप में से ऑप्शनल चूज करने में कोई दिक्कत है, तो जो मैंने आपको बताया अभी आप मुझे पॉलिटिकल साइंस का भेज सकते हो, पॉलिटिकल साइंस का असेसमेंट करके मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये असेसमेंट बहुत जरूरी है, और इस सुपर कोचिंग में ये असेसमेंट हम आपको करा के देंगे, और ये पूरा साल भर असेसमेंट चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एक मुद्दा आपको यहाँ पे समझना है। जब आप ये असेसमेंट करा के लेते हो, उसके बाद आपने ऑप्शनल को बदलने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। फिर आपका पूरा फोकस जो है वो ऑप्शनल के ऊपर होना चाहिए। तब कौन से टॉपर ने क्या कहा, किसने क्या ऑप्शनल बदला, ये सारा चीज यहाँ पे नहीं हो सकता है। आपका फोकस सही से ऑप्शनल पे बना के रखो, और उस ऑप्शनल को बनाने के बाद आपको उसका जो बेसिक रीडिंग है, ये बेसिक रीडिंग आपको अच्छे से फिनिश करना है। अभी ऑप्शनल को लेके भी टेक्स्ट बुक ने आपको ये जो बैचेस है ये अवेलेबल करा के दी है, तो टेक्स्ट बुक के ऑप्शनल के बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। प्लस बेसिक रीडिंग क्या करनी है ये तो हम आपको हमारे जीएस के इस सुपर कोचिंग में भी बताएंगे, जो जीएस के अपने लाइव क्लासेस चलेंगे, तो लाइव सेशंस में भी हम आपको बताएंगे कि ऑप्शनल का आपका बेसिक रीडिंग और इसका बुक लिस्ट, ये सब हम आपको वहां पे डेफिनेटली अवेलेबल करा के देंगे। इसके अलावा ये बेसिक रीडिंग के साथ साथ आपको कुछ आंसर्स यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और उस आंसर का प्रैक्टिस करना है आपको, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। पहले दिन में आप सीधा यहाँ पे बैठ गए और यहाँ पे आपने 125 शब्दों में 10 मार्क्स का लिखा, 250 शब्दों में 20 मार्क्स का लिखा, ऐसा नहीं है। पहले एक महीना तक आपको ये कुछ नहीं करना है। पहला एक महीना आपको केवल और केवल यहाँ पे पॉइंटर फॉर्मेट में, केवल और केवल पॉइंटर फॉर्मेट में आंसर लिखना है, ठीक है। माने मैंने आपको क्वेश्चन अभी दिया, फॉर एग्जाम्पल, राइट ए नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द इंडियन सिटीजन्स। ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर मैंने आपको दिया, तो केवल आपको इसको थोड़ा पॉइंटर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करनी है। तो पॉइंटर फॉर्मेट में लिखना है मतलब क्या, सबसे पहला पॉइंट, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहला पॉइंट इसमें आप लिखोगे कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि आपका लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज और वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन किए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कहाँ पे मेंशन किया है ये, और उसका एक लिस्ट, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट होने के बाद उसका इंपॉर्टेंस, फिर आप कहिए कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये क्यों जरूरी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और उसको थोड़ा सा आपने बच्चों करंट का तड़का लगाना है, करंट पर्सपेक्टिव में कुछ मुद्दों को आपको आंसर में ऐड करना है, और ये करंट पर्सपेक्टिव आपका लाइव क्लासेस में, डेली लाइव क्लासेस में होता रहेगा, और वो हर सब्जेक्ट के लिए होगा, मैं केवल पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं, आपका जो कोई ऑप्शनल है। हो सकता है हिस्ट्री का कुछ पढ़ाया जा रहा है और हिस्ट्री में अचानक से ऐसा कोई करंट में एक रेफरेंस रिलेवेंस आ गया,
तो वो भी आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाएगा एंड यू विल गेट टू नो, आपको समझ में आएगा कि उसको मेंस का आंसर लिखते वक्त उसका क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन का पहला 1 से 1.5 महीना पॉइंटर फॉर्मेट में आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना है। आपने एक बार ये पॉइंटर फॉर्मेट में आंसर लिखना शुरू किया, आपका ये आंसर लिखना ये सब कुछ प्रैक्टिस आपका चल रहा है, बहुत अच्छी बात। ये प्रैक्टिस के साथ साथ फिर आपने क्या करना है, ये प्रैक्टिस के साथ फिर आपने ग्रेजुअली इसको थोड़ा सा लेंथी आंसर सीखना शुरू करना है। ठीक है, माने अब बाकायदा आंसर लिखोगे, अब आपको ऐसा कोई बदलाव नहीं करना है ज्यादा, तो आप यहाँ पे प्रॉपर लेंथी आंसर्स लिखोगे जो बीपीएससी का पैटर्न है, उस पैटर्न में आप इसका आंसर लिखो। और कोशिश, संभवतः कोशिश यही करो कि जब आप इसका ऑप्शनल चूज करोगे, उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, मैं तो चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स बीपीएससी के विद्यार्थी बीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी भी दे, ताकि जब आप यूपीएससी के अटेम्प्ट के लिए जाओगे तब उस दरमियान आपका यूपीएससी का ऑप्शनल भी कवर हो जाए। ठीक है, न्यूज़पेपर आपका करंट के लिए, जीएस के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ आपके ऑप्शनल के लिए भी बहुत जरूरी है। बहुरे करण, हम वही डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि आपने क्या लेना चाहिए, तो मैं वही कह रहा हूं कि आप अगर पहले 15-20 मिनट नहीं थे क्लास को तो उसका थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लो, सिलेबस देखो, 4-5 ऑप्शनल का एक क्लब बनाओ, उसके बाद उसका कंपैरिजन करो और तब ऑप्शन चूज करो, तब आप उसका लेंथी आंसर लिखना शुरू करो। ठीक है, हो सकता है 1 महीना में आपको रियलाइज हो जाए, हो सकता है 99%। तो हम ऐसा हमारे क्लासेस में जब अपना मॉड्यूल शुरू होगा हम होने नहीं देंगे, लेकिन 99% नहीं होगा, 1% संभावना है कि आप उस ऑप्शनल के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, या फिर आपका जो राइटिंग स्किल है ये राइटिंग स्किल उससे मैच नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि आप बहुत ही साहित्यिक लिखते हो, कलात्मक आपका एक दृष्टिकोण है, और वो कलात्मकता, वो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट अगर कोई है, तो आपका ये जो लिटरली लिटरली स्किल होता है, साहित्यिक कला जो होता है लिखने का, वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे भाषाओं में, ऐसे विषयों में नहीं चल सकता है। आपका बहुत ही ज्यादा साहित्यिक भाषा आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री उसमें भी नहीं चलेगा, उसमें आवश्यक होता है उस सब्जेक्ट का डिमांड। तो 99% तो नहीं होगा, लेकिन 1 महीना में अगर आपको पर्सनली, आपके पर्सनल लेवल पर लगता है कि आप उसके साथ कोप अप नहीं कर रहे हो, तब फिर आप दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचिए। लेकिन केवल एस्पायरेंट सीरीज देख ली और उसने हिस्ट्री लिया था तो मैं 1 महीना बाद मैं भी उसके जैसा बनना है, ये गलती मत करो। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। दिलशाद, फीस ज्यादा नहीं है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपके सभी के साथ ये स्लाइड शेयर किया था कि महीने का हार्डली आपको 667 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको ये पूरा 1 साल का फी, ईएमआई का भी हमने ऑप्शन दिया है, और साथ ही साथ अगर आप मेरा ये जो कूपन कोड है सुमित M, अगर आप ये अप्लाई करते हो तो आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट भी इसके ऊपर मिलेगा। सो फीस बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली सुपर कोचिंग के लिए हमने यहां पे रखा है। ठीक है, फाइन। तो यहां पे 1 महीना के बाद फिर आप सोच सकते हो, लेकिन हम ये मुसीबत आने ही नहीं देंगे, पहले ही हम 1 महीना भी क्यों वेस्ट करें, इसलिए मैंने कहा 99%। इसलिए जो पहला स्टेज है वो बहुत नाजुक होता है, एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, सिलेबस एनालिसिस, उसका बेसिक रीडिंग, उसका आंसर लिखना, एडुकेटर के पीछे लग के उसको चेक करा के लेना, फिर धीरे धीरे धीरे। और हाँ, 1 महीने बाद ये डिसीजन लेते वक्त आपको ये मेक श्योर करना है कि आप आपके एडुकेटर के साथ जरूर चर्चा करोगे, एडुकेटर का ओपिनियन आपको लेना है, उनके ओपिनियन के बिना ये डिसीजन मत लीजिए, अपने आप डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, केवल आपका जो राइटिंग स्किल है, आपके राइटिंग स्किल में ही गड़बड़ी हो, तो ये राइटिंग स्किल हम क्लासेस के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू उसको ठीक कर देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, चलो बच्चों, यहां तक जो डिस्कस किया,
ये जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आया ये पूरा लिस्ट, कौन सा अप्रोच, ये पूरा लिस्ट तो पता है ना आपको ऑप्शनल का, कौन सा लिस्ट है, क्या क्या ऑप्शनल होता है, ये सब कुछ समझ में आ गया आपको? चलो अगर अभी तक डिस्कस किया सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है तो मुझे पोल को रिस्पॉन्स दे, और आपके जो भी कोई डाउट्स या क्वेरीज है आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है? बेस्ट ऐसा नहीं होता है, मैं वही कह रहा हूं। अभी मैं कह दूं कि मेरा पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, आप उसको ज्वाइन कर लो, हर कोई यही कहेगा, जो वो पढ़ाता है वो वही कहेगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी में मेरा एक पकड़ है, मेरा होल्ड है, तो मैं यही कहूंगा कि आप पॉल साइंस या फिर एंथ्रोपोलॉजी लो, बात ये नहीं है, बात आपके कंफर्ट की है, आपके इंटरेस्ट की है। हाँ, अगर आप श्वेता जूलॉजी से बीएससी कर रही हो तो आपका जूलॉजी में स्कोर कितना आता है, आप यूनिवर्सिटी टॉपर हो, आउट ऑफ दी मार्क्स आप लाते हो, आपको इन एंड आउट जूलॉजी का सब कुछ पता है, अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे यू कैन गो विद दैट, अगर ऐसा है तो आप जरूर गो थ्रू कीजिए, अगर ऐसा नहीं है फिर उस केस में आपको यहाँ पे जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी बताया उस स्ट्रेटेजी का आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है? यस, फिलोसॉफी ऑप्शनल भी अच्छा है, मैं वही कह रहा हूं, सभी ऑप्शनल बहुत अच्छे होते हैं, किसी भी ऑप्शनल में कोई समस्या नहीं है, समस्या होती है स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग में, उनके राइटिंग स्किल में और उनके प्रेजेंटेशन में। आपका प्रेजेंटेशन सही है, राइटिंग स्किल अच्छा है आपका, तो निश्चित तौर पे आपका स्कोर यहाँ पे आएगा, ठीक है? अभी एक बेसिक मुद्दा आपको यहाँ पे समझना है, जब भी आप ऑप्शनल को चूज करना चाहते हो, सबसे पहले ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हम आपको बता दें कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका साहित्य में रुचि होता है, तो ये साहित्य वाले जो विषय है आप इसको भी यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है? मोस्टली ये जो आपके विषय है, जैसे कि अभी निरंजन ने कहा कि वो फिजिक्स ग्रेजुएट है, श्वेता कह रहे कि वो बीएससी कर रहे जूलॉजी से, मैं बीएससी नहीं, आप मिनिमम उसमें आपकी मास्टर्स तो भी होनी चाहिए, अगर कोई भी आप साइंस बैकग्राउंड का विषय लेना चाहते हो तो मिनिमम उसमें आपका मास्टर्स होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। अगर वो मास्टर्स आपका है तब उस केस में आप उस विषय को ले, केवल ग्रेजुएशन के आधार पर अगर आप लेने चाहते हो तो वो शायद से थोड़ा रिस्क हो सकता है, तो मिनिमम मास्टर्स आपका होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपने ग्रेजुएशन में ही बहुत ही स्ट्रांग होल्ड उस विषय पर ले लिया है तो ये आपके कंफर्ट के अनुसार, आपके स्कोर के अनुसार आप ये तय कर सकते हो। अभी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिन्हें यहाँ पे हमें समझना है। सबसे पहला, ऑप्शनल में सबसे अधिक मैटर करता है, सबसे अधिक वो है आपका आंसर राइटिंग स्किल, ठीक है? आपका आंसर राइटिंग स्किल का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है आपके ऑप्शनल में। आंसर राइटिंग स्किल कहां से डेवलप होता है? प्रैक्टिस से। लेकिन प्रैक्टिस में भी आपको एक गाइडेंस आवश्यक है ना, अगर जीवन में कोई पहली बार क्रिकेट खेल रहा है तो बैट कैसे पकड़ना है उल्टा सीधा वो भी तो सिखाना जरूरी है, कि माने ये बेसिक से शुरुआत करना जरूरी है, अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो इन स्विंग आउट स्विंग बॉल कैसे पकड़ना है ये भी बहुत जरूरी है, तो एक गाइडेंस, प्रैक्टिस का भी एक गाइडेंस बहुत जरूरी है, जो मैंने पिछले क्लास में कहा था, वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट वो प्रैक्टिस भी आपका जो है सही दिशा में और उतना आपका रिलीवेंट होना चाहिए, एग्री करते हो? आपका प्रैक्टिस सही दिशा में होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस रिलीवेंट होना चाहिए, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अभी क्या होता है, जब बात आती है आंसर राइटिंग की तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने ऑप्शनल, मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड ले लिया, तो हमने ऑप्शनल लिया है एग्जाम्पल के तौर पे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी या फिर हमने ऑप्शनल लिया है आपका पॉल साइंस,
ठीक है, ये हमने ऑप्शनल लिया, हम इसका पढ़ाई करेंगे और पढ़ने के बाद जो कोई नॉलेज गेन करेंगे तो उस नॉलेज के आधार पर जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर आपका जीएस का और आपका ऑप्शनल का एक ही लाइन में बच्चे लिखते थे, माने एक जैसे। और यही सबसे बड़ा ब्लंडर आपके सिविल सर्विसेज में आप करते हो। जीएस का आपका जो अप्रोच है बच्चों, ये जीएस का आपका अप्रोच ये बिल्कुल अलग होता है और ऑप्शनल का आपका आंसर राइटिंग का अप्रोच ये बिल्कुल अलग होता है। आप दोनों को यहाँ पे मिक्स नहीं कर सकते हो, ये सबसे बड़ी गलती आप यहाँ पे करते हो, क्योंकि यहाँ पे जीएस की डिमांड अलग है और ऑप्शनल की डिमांड यहाँ पे अलग है। आप इसके साथ गड़बड़ी नहीं कर सकते हो, अधिकतम बच्चे यहीं पे गड़बड़ी कर जाते हैं। ऑप्शनल के आधार पर उनको लगता है कि हाँ ये ऑप्शनल हमने किया तो उसके जैसा हम आंसर लिख देंगे, ये गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले बेसिक बात। सेकेंड थिंग जो आपको यहाँ पे और समझना है वो ये है कि आंसर लिखते वक्त फिर किन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबसे पहले अगर हम कहें कि आपका वन वन प्लस वन क्या होता है, अगर हमने आपको पूछा कि मुझे बताइए दिलशाद वन प्लस वन क्या होता है, आप कहोगे कि सर वन प्लस वन तो टू होता है, ऑप्शनल आपसे यही एक्सपेक्ट करता है। ये हो गया आपका ऑप्शनल का अप्रोच। ऑप्शनल में अगर आपको कहा है कि वन प्लस वन क्या, और थ्योरी अगर कहता है, साइंस अगर कहता है, किताब अगर कहती है कि वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, तो आपको वही लिखना है। क्लियर है? ये बात कई सारे विद्यार्थी यहां पे मिस कर जाते हैं, माने ऑप्शनल के लिए आपका प्योरली एक एकेडमिक अप्रोच होना चाहिए। ऑप्शनल के लिए आवश्यक होता है आपका एकेडमिक अप्रोच। ये एकेडमिक अप्रोच अगर आपका सही है तो आप ऑप्शनल में स्कोर करने का संभावना बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको पॉल साइंस में, अगर हम देखें पॉल साइंस में किसी थिंकर के ऊपर या फिर उसके थ्योरी के ऊपर अगर कुछ पूछा गया है, तो वो थिंकर वो थ्योरी अगर वो कहता है, अगर वो थ्योरी में वो थिंकर अगर ये कहता है कि वन प्लस वन इज इक्वल टू एट, तो आपको आंसर में वही लिखना है कि अकॉर्डिंग टू मिस्टर एबीसी वन प्लस वन इज इक्वल टू एट एंड हाउ ही प्रूव्ड इट, उन्होंने कैसे ये प्रूव किया, तो वो पूरा प्रोसेस वो फ्लो उसने किस आधार पर वन प्लस वन इज इक्वल टू एट कहा, ये प्रोसेस ये फ्लो आपको आंसर में लिखना होता है, तब आपका ऑप्शनल का जो ग्रिफ है ये मजबूत है ऐसा माना जाएगा। आप समझ रहे हो? ठीक है, ये बात यहां पे समझनी है। जब तक यहां पे आपका इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं पूछा जाता है ऑप्शनल में, जब तक आपका इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं पूछा जाएगा तब तक आपको पूर्ण तरीके से बुकिश रहना है। किताब जो कहेगी किताबों के अनुसार आपको यहां पे चलना है, जब तक आपका निजी ओपिनियन ना पूछा जाए तब तक। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू मिस्टर एबीसी डोंट यू थिंक कि उनका वन प्लस वन इज इक्वल टू एट इज रॉन्ग, अगर आपको ये उनका इस प्रकार का ओपिनियन अगर पूछा गया तब उस केस में फिर आप लिख सकते हो कि हाँ भाई ये लगता तो है कि ये रॉन्ग है, लेकिन तब तक आप इसको जो है क्या करोगे, ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से ही लिखोगे। आप अपना इंडिविजुअल ओपिनियन यहाँ पे तब तक नहीं दोगे जब तक पूछा नहीं जाएगा। जनरल स्टडीज में क्या होता है, जब बात आती है जनरल स्टडीज की तो ऑप्शनल और जनरल स्टडीज को कभी मत मिक्स कीजिएगा, क्योंकि जनरल स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका डायनामिक अप्रोच, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जनरल स्टडीज के लिए आपका डायनामिक अप्रोच चाहिए, ऑप्शनल के लिए आपका एकेडमिक अप्रोच चाहिए, जनरल स्टडीज में
आपका 1+1 इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, क्लियर है? तो ये चीज आपको यहां पे समझनी है। जनरल स्टडीज में आपका इंडिविजुअल ओपिनियन शायद मैटर कर सकता है, क्योंकि आपको मोस्टली पूछा जाता है विद रेफरेंस टू दिस, विद रेफरेंस टू दैट, आपका ओपिनियन यहां पे जो है ये मैटर कर सकता है, ऑप्शनल में नहीं। ऑप्शनल में आपको जो थ्योरी है, जो लिखा है किताब में, उसके अनुसार चलना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये कब होगा आपका, जब आप कंसिस्टेंटली उसका प्रैक्टिस करते रहोगे तब। और जो थोड़ी देर पहले किसी ने मुझे पूछा था ना न्यूज़पेपर के बारे में, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपका न्यूज़पेपर ये बहुत कंपलसरी होता है। न्यूज़पेपर आपका ऑप्शनल के लिए भी और जीएस के लिए भी, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको देता है केस स्टडीज। ये केस स्टडीज आपके आंसर को मजबूत बनाते हैं, ठीक है? केस स्टडीज आपके आंसर का गहना है, और ये आपको मिलता है न्यूज़पेपर से, ठीक है? तो अभी ये केस स्टडी का भी एक बहुत बड़ा एक विषय होता है कि सर ये केस स्टडीज हम एग्जैक्टली कैसे उठाए, क्या उठाए। उसी के लिए हमने आपके लिए ये मॉक टेस्ट, ये मेंस के क्वेश्चन का ये सेट पूरा का पूरा प्रिपेयर किया है, ताकि आपका मैक्सिमम प्रैक्टिस हम यहां पे कंडक्ट करा सकते हैं। आपके प्रैक्टिस के अलावा आपके आंसर्स का असेसमेंट हम करा सकते हैं। जो हमारे सुपर टीचर्स के 25 से अधिक वीडियो कोर्सेस है, और जो मैंने स्पेशल गाइडेंस की यहाँ पे बात की है, इस स्पेशल गाइडेंस में भी आपके डाउट्स, आपका केस स्टडी, उसको कैसे आंसर में इंक्लूड करना है, ये सब तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन 1000 से अधिक जो हमारे डेली लाइव क्लासेस है, इसमें भी हम आपको डेली बेसिस पे कम से कम 2 से 3, मैं कम से कम कह रहा हूं, एक डेढ़ घंटे की क्लास में कम से कम 2 से 3 केस स्टडी हमारे क्लासेस में डिस्कस होते हैं। अगर फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई गलती से मेरा बीपीएससी सिलेक्ट का या फिर यूपीएससी सिलेक्ट का अगर कोई स्टूडेंट आया है लाइव लर्नर्स में, तो यहाँ पे आप कह सकते हो लगभग 200 के ऊपर बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, तो आप ये एक्सपीरियंस अभी तक ले चुके हो कि हम लाइव क्लासेस में ये सारे केस स्टडीज डिस्कस करते हैं। तो ये सारा का सारा केस स्टडीज आपका लाइव क्लासेस में डिस्कस होगा। जैसे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो कई बार करंट का मैं क्लास ले रहा हूँ, तो उसमें हमेशा मैं एक रेफरेंस देता हूँ बच्चों को। मैं पहले कहता हूँ कि हाँ देखो बच्चों, ये जो न्यूज है ना, ये अभी परसों आया था, ये आपका पॉल साइंस का केस स्टडी है, या फिर ये आपका IR का केस स्टडी है, या फिर ये आपके सोसाइटी का केस स्टडी है। ये सारे के सारे रेफरेंसेस हम क्लासेस में आपको देते हैं, और ये स्पेशल क्लासेस में भी, ये जो सुपर कोचेस के क्लासेस है, इसमें भी ये सभी चीज ये भी आपको वही बताएंगे कि इसके लिए आपका एक स्पेशल फोकस क्या होना चाहिए। ये भी चीज यहाँ पे हम आपको बताएंगे ठीक तरीके से, ठीक है? चलो, आप में से किसी के और कोई डाउट्स या क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये जो जो चीजें मैंने अभी तक आपको बताई पहले से लेके, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हम क्विक एक रिकैप ले लेते हैं, फिर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो हम उसको एड्रेस करेंगे। रिसेंटली आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम बीएससी फिजिक्स। ओके, तो अगर मैं फिर से वही कह रहा हूँ निरंजन बेटा, अगर आप कंफर्टेबल हो बहुत अच्छे से तब, और ये कंफर्ट आपका जो है ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, आपका ये कंफर्ट एनालिसिस के बाद ही आना चाहिए, और उसके लिए आपको 8 से 10 दिन अच्छे से स्पेंड करना पड़ेगा। माने बाकी का पढ़ाई छोड़ के इसके पीछे मत लगे, लेकिन 8-10 दिन तक अच्छे से डेडिकेटेड रोज का 2 घंटा तो भी निकालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, सिलेबस देखिए, उस क्वेश्चंस से जुड़ा हुआ कुछ चीज रीड करने की कोशिश कीजिए, उस विषय को लेके हमारे कुछ जो क्लासेस है उस क्लासेस को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, उसके थ्रू चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, है ना? ये सब चीज जब आप करोगे तब धीरे 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 आप में ये जो आवश्यक वो बदलाव है, ये बदलाव आते रहेगा, क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने ये पूरा लिस्ट आपका ऑप्शनल का,
उन्हीं का मैंने हिंदी में और अंग्रेजी में नाम देके रखा है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ पे क्लब करना है, क्लब ऑफ 5 सब्जेक्ट्स और 3 सब्जेक्ट्स आपके कंफर्ट के अनुसार, ये क्लब आप करोगे। ये क्लब करने के बाद आपने क्या करना है, फिर उस क्लब का सिलेबस एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, और कम से कम मैंने आपको कहा कि 5 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं आंसर पॉइंटर फॉर्मेट में। उसके बाद आप यहां पे उस कंक्लूजन पे पहुंचोगे, ठीक है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझोगे। और ये एक दिन में नहीं होता है, किसी टॉपर का यूट्यूब पे इंटरव्यू सुनने से नहीं होता है, ये आपको इंडिविजुअल एफर्ट्स लेके ही करना पड़ेगा। तो तब आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, उस क्वेश्चन का पैटर्न समझो, उसका डिफिकल्टी लेवल समझो, उसको लिखने की कोशिश करो। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि अंत में हो सकता है कि किसी 2 ऑप्शनल के बीच ये पूरा प्रोसेस आप कर लो अच्छे से, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद अंत में आप किसी 2 ऑप्शनल के बीच अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो फिर उस केस में आपको उसका कंपैरिजन करना है एक दूसरे के साथ, फिर जीएस के साथ उसको कंपेयर करना है, ठीक है, फिर उसको लिखना, उसको पढ़ना, आपका आंसर राइटिंग स्किल उसको असेस करने की कोशिश करना, ये सभी चीज मैंने आपको बताया। और 1 महीना बाद फिर भी आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो तो एडुकेटर के साथ हम रहेंगे क्लासेस में, हम और हमारे जैसे बाकी के भी, पूरा हमारा एक्सपर्ट टीम आपके साथ रहेगा, हमारे सुपर कोचेस का पूरा टीम आपको सहायता करेगा। तब उनके साथ डिस्कस करके आप 1 महीना बाद डिसीजन ले सकते हो, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि आपके क्लासेस चलेंगे, हम टाइम टू टाइम आपके डाउट सेशन जो है वो कंडक्ट करते रहेंगे, ठीक है। फिर आपने ये जो पैटर्न, ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया लिखने का, कि क्या आप उसके साथ फैमिलियर हो, क्या आप उसको जस्टिस दे पा रहे हो, क्या आपका राइटिंग स्किल, और ये हम क्लासेस में आपको बताएंगे। कई बार क्या होता है कि आपको आपका स्ट्रेंथ नहीं पता होता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, ये ताकत जानने के लिए ही मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे यहाँ पे ये जो टेस्ट बुक ने सुपर कोचिंग का इनिशिएटिव शुरू किया है आप उसमें आए। हम आपको ये पूरा असेसमेंट करा के देंगे कि आपको किस प्रकार से, हम पूरा सुपर टीचर्स का टीम आपको बताएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, पूरा साल भर आपको कैसे पढ़ाई करना है, उस पढ़ाई के माध्यम से हमें किस प्रकार से यहाँ पे अपना पोस्ट निकालना है, ये सारे क्लासेस का स्केड्यूल कैसे करना है, इन सभी में हम आपको केवल क्लासेस नहीं, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, हम आपको केवल क्लासेस में टीचिंग यही हमारा एजेंडा नहीं है, आप सभी को टाइम मैनेजमेंट, ये जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, इस टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी हमारा संपूर्ण मार्गदर्शन आपको रहेगा, ठीक है। सिलेबस को कैसे कवर करना है, माने टीचिंग के थ्रू तो होगा ही, लेकिन सिलेबस का कवरेज आपको कैसे लेना है थ्रू सेल्फ स्टडी, तो ये पूरा सेल्फ स्टडी का जो प्लान है, ये सेल्फ स्टडी का प्लान भी बच्चों आपको हम बना के देंगे अकॉर्डिंग टू द लाइव क्लासेस, ये पूरा प्लान आपको मिलेगा। यहाँ पे आपके डाउट सेशंस होंगे, डाउट सेशंस, और कुछ तो एक यूनिक टेक्स्ट बुक पे ही आपको मिलेगा वो, डाउट सेशंस के अलावा एक यूनिक हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिनको हम कहते हैं गपशप सेशन, तो ऐसे गपशप सेशन भी हम यहाँ पे बीच बीच में कंडक्ट करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स के जो कोई जनरल क्वेरीज है रिवीजन को लेके, पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑप्शनल का ये वो भी सब हम आपको यहाँ पे अवेलेबल करा के देंगे, एक्सपर्टीज आपके साथ रहेंगे, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली, और मॉनसून का ऑफर भी चल रहा है कि केवल 667 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, और उसमें भी आप एक एडिशनल 20% डिस्काउंट ले सकते हो अगर आप ये मेरा कूपन कोड अप्लाई करो तो। मैं आप सभी के साथ मेरा ऑफिशियल टेक्स्टबुक का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक शेयर करता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, कूपन कोड अप्लाई करना नहीं आ रहा है, तो फील फ्री टू मैसेज देयर, हमारा टीम आपको मैसेज करेगा। तो कई बार बच्चे जल्दबाजी में कूपन कोड अप्लाई करना भूल जाते हैं और अपना 20% का एक नुकसान कर लेते, तो वो नहीं करना है, तो कूपन कोड को याद से आप सभी अप्लाई कीजिए, मैं आपके साथ
मेरा ऑफिशियल टेस्टबुक का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक शेयर करता हूँ। तब तक आप में से अगर किसी को कोई क्वेरी या डाउट है तो आप प्लीज मुझे पूछिए, अगर नहीं है तो हम क्लास को अभी वाइंड अप करते हैं। हम फिर से मिलेंगे बुधवार के दिन, बुधवार को भी हम इसी मुद्दे के ऊपर बीपीएससी सिविल सर्विसेज को लेके कुछ विषय जो है हम चर्चा में लेंगे और आपको चीजों को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई और क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ बच्चों अभी तक जो कुछ मैंने डिस्कस किया आप सभी ने उसको एंजॉय किया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपका पोल को रिस्पॉन्स देके जरूर बताइए, और किसी को कोई क्वेरी या डाउट है तो प्लीज आप पूछिए। ऊपर दिया गया जो मेरा ऑफिशियल टेस्टबुक का टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कीजिए, प्लस यहाँ पे सुमित एम आपको हर एक पेज पे मेरा ये कूपन कोड भी मिल जाएगा, आप इसको अप्लाई करके एडिशनल 20% डिस्काउंट ले सकते हो। और कुछ क्वेरी है तो टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिए। सो आई वुड लाइक टू सी यू ऑल इन द अपकमिंग सुपर बैच, तो जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कीजिए और बुधवार का जो हमारा क्लास है उसको भी अटेंड कीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द। Thank you so much. Take care and see you soon.